मैं आज बात करने वाला हूँ, मैंने अपना DIY प्रेशराइज CO2 सिलेंडर घर पर कैसे बनाया है, और उसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा कि इसके फायदे क्या हैं और आप घर पर कम कॉस्ट में इसे रिफिल कैसे कर सकते हो, और आपको बनाना हो तो सिलेंडर सिलेंडर आप कॉस्ट कैसे बना सकते हो। प्लीज़ मेरे वीडियो पर बने रहिए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप मेरा वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि DIY CO2 सिलेंडर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप मिस कर सकते हेलो हैं। गाइस, मैं हूं चिराग। आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ एक्वेरियम। सो गाइस, मैं आज CO2 सिलेंडर बनाने से पहले एक बात आपको बता देता हूं कि CO2 के फायदे क्या है। शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आपके प्लांटेड एक्वेरियम में एक्स्ट्रा CO2 देने से आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके प्लांट के कलर ज्यादा इंक्रीज हो गए, रेड ज्यादा रेड होगा, ग्रीन ज्यादा ग्रीन हो जाएगा, और आपके प्लांटेड टैंक में एल्गी की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और हाँ, आपके टैंक के फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 काफी इंपॉर्टेंट रोल रोल है। स्टार्ट करते हैं कि मैंने सिलेंडर कैसे बनाया है। यह है मेरा CO2 सिलेंडर। ये एक्चुअली एक गैल्वेनेट पाइप से बना है। गैल्वेनेट पाइप यानी ट्रैक्टर का जो काम करते हैं, पानी वाला ट्रैक्टर जो है बनाते हैं वो वेल्डिंग वर्कशॉप में, उधर से आपको आसानी से मिल जाएगा। मेरे को काफ़ी सस्ते में मिल गया था, काफ़ी चीप रेट में मुझे मिला था। ये आपको गैल्वेनाइट पाइप से बनाना है, जो काफ़ी गैल्वेनाइट पाइप अच्छा होता है, कभी इसमें जंग लगने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिट्रिक एसिड एंड बेकिंग सोडा के साथ पानी भी होता है, जो पानी के साथ ये रिएक्ट करके कभी इसमें जंग नहीं लगेगा। आप लॉन्ग टाइम इसे यूज़ कर सकते हो। इसके लिए और भी आपको चाहिए, उसमें आप देख सकते हैं ये एयर कंप्रेसर वाल्व और एयर रेगुलेटर भी बोलते हैं, इससे आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, कम फास्ट जो भी करना हो इससे कर सकते हो, इसे कहते हैं एयर वाल्व। ये एयर वाल है और एक चाहिए एल, इसे एल्बो भी बोल सकते हैं, 6 mm नोजल वाल। ये है सॉकेट और अंदर थ्रेड वाली सॉकेट, और है प्रेशर गेज। ये 150 PSI का प्रेशर गेज है जो कंप्रेसर में काम आता है, एयर कंप्रेसर। तो प्रेशर गेज आप जब भी लेने जाओ उसी थ्रेड के एक सॉकेट लेना है, जो आप अपने CO2 सिलेंडर जो बना रहे हो उस पर आप वेल्ड कर सकते हो। और है CO2 आउटलेट के लिए, CO2 आउटलेट के लिए जो कनेक्शन किया है उसमें बता दूं कि इस तरह की एक सॉकेट आएगी, देख लीजिएगा, इस तरह की सॉकेट आपको तीसरे होल में वेल्ड करवानी है। और इम्पोर्टेंट चीज़, टैप ऑन टैप। अब बनाते कैसे हैं? सबसे पहले आपको गैल्वेनाइट पाइप लेना है, उसे उसके हिसाब से ये 5 mm थिकनेस है इसकी, उसके हिसाब से आपको गैल्वेनाइट शीट लेनी है, जो वेस्टेज कहीं से भी आपको मिल जाएगी, कबाड़ी के पास से भी, वरना कोई भी वर्कशॉप वेल्डिंग वर्कशॉप होगा उधर से आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके उस पाइप के हिसाब से आपको उस सीट में से दो उसके कैप अलग करने पड़ेंगे, कटवाने सो पड़ेंगे। फ्रेंड्स, टॉप कैप में हमें 3 होल करने हैं, जो थोड़े थोड़े से दूरी दूरी पर होल कीजिएगा। उसमें एक है एयर आउटलेट के लिए, दूसरा प्रेशर गेज के लिए होल है, और लास्ट वाला होल रिफिलिंग बोल्ट के लिए है। बॉटम कैप में एक होल करना है, वहाँ से ड्रेन बोल्ट है, जो CO2 का वेस्ट मटेरियल हम निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको भी अच्छे वेल्डर के पास चाहिए, जो अच्छा वेल्डिंग काम करता हो, उसके पास गैल्वेनेट पाइप में होल करवाने के बाद पूरा वेल्ड करवाना पड़ेगा, वेल्डिंग करवाना पड़ेगा। और ख़ास ध्यान रखिएगा कि एयर प्रूफ हो, कहीं भी से भी जो थोड़ा सा CO2 भी लीक ना हो, फुली एयर टाइट हो और अच्छी तरह वेल्डिंग की हो, जिसमें कोई भी एयर की लीकेज की प्रॉब्लम बाद में ना आए।
सारा की सारा सॉकेट जो आपने बनाया, ये बोल्ट है और नीचे ये सॉरी ये नट है 27 नंबर का, और नीचे बोल्ट वेल्ड किया हुआ है। सारी की सारी चीज़ें आपको वेल्ड करनी है, या गैस वेल्डिंग भी आता है, गैस वेल्डिंग वाला वो भी कर देगा आपको। अपना कितना कॉस्ट आया है, कितना खर्चा हुआ है पूरा CO2 सिलेंडर में, उस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाऊंगा। आप अच्छी तरह वेल्ड कर लीजिएगा, लास्ट में बॉटम वाले में जो कैप हमने बनाया था उसको भी अच्छी तरह वेल्डिंग करना है, ऊपर से इसको भी अच्छी तरह वेल्डिंग करना है। बाद में सभी चीज़ को आप किसी भी तरह से आपने एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स मैं दिखा देता हूँ आपको। सो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरा कनेक्शन बन जाए, इस तरह से सॉकेट आपको लेना है। मैं सब में टेफ्लॉन टेप अच्छी तरह से लपेट देता हूँ। पूरा का पूरा असेंबल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि DIY CO2 सिलेंडर अभी कैसा लग रहा है। मैंने इस सारे अटैचमेंट को अच्छी तरह से असेंबल कर दिया है, और अब करते हैं CO2 सिलेंडर में इसकी फिटिंग। प्रेशर गेज, सो गाइस आप देख सकते हो किस तरह से सेट क्या हो गया। अभी देखना है कितनी गैस में हमारा बोल्ट, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? आसानी से बैठ जाता है, आसानी से बैठ गया। अब बनाना है इसका वाइसर, रबड़ वाइसर, जो ये टायर ट्यूब है, इसमें से हमको राउंड कट करना है। देख सकते हैं इस तरह का वाइसर आप बना सकते हो। मैंने आज जल्दी में किया है, आप आसानी से अच्छा बना सकते हो आराम से। 2 बोल्ट हो गए, इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये हमारे फिलिंग बोल्ट, और लास्ट में अंदर आप चाहो तो इसका ऐसा स्टैंड भी बना सकते हो। मेरे पास मेटल स्ट्रिप पड़ी थी, इससे मैंने ये बनाया है, कट करके इधर भी वेल्ड किया है, और लास्ट में एक होल है, ये है ड्रॉइंग बोल्ट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो भी बोल्ट आप लगाओ उसमें टेफ्लॉन टेप लगाना ज़रूरी है। ये अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए, जितना हो सके इतना फिट कर दीजिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अभी असेंबल के बाद ये कैसा लग रहा है। आप चाहे तो इसमें पेंट भी कर सकते। अभी हमारा प्रेशर गेज में मीटर दिखा रहा है 0। सो गाइस मेरा वीडियो ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं Part 2 एक बनाऊँगा, उसमें रिफिलिंग के बारे में बताऊंगा, और अपने प्लांटेड टैंक में इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया है। जो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।